यहाँ से स्टार्टिंग स्टार्टिंग से करें। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जनक है वो अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे हैं सीता का, क्योंकि जो सीता है शिव जी की जो भारी धनुष थी, विश्व विख्यात विश्व प्रसिद्ध धनुष थी, बहुत ही भारी थी, उसको कोई नहीं उठा सकता था। तो एक दिन जो सीता थी वो झाड़ू लगा रही थी, तो वो उस धनुष को उठा के दूसरी जगह रख दी। तो उनके पिताजी जो जनक है, उनके पिताजी वो देखे तो कहे कि मेरी बेटी जब इस धनुष को उठा सकती है तो इसका जो वर होना चाहिए, इसे तोड़ जो तोड़ देगा वही उसी से इसकी शादी होगी। तब वो सीता का स्वयंवर करते हैं, सीता का स्वयंवर करते हैं। तब बहुत सारे दूर दूर से राजा आते हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए, उसमें राम और लक्ष्मण भी जाते हैं विश्वामित्र के साथ, तो कोई भी उस धनुष को तोड़ नहीं पाता है। तो तब राम जो है जाते हैं तो उनके छूते ही धनुष टूट जाती है। तो परशुराम जी जो हैं वो जब सुने कि यह धनुष किसी ने तोड़ दिया है, शिव जी की इतनी विश्व विख्यात जो धनुष है किसी ने तोड़ दिया है, तब तब जो है वो आते हैं और गुस्से में क्रोधित हुए आते हैं और पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तब राम बोलते हैं कि यह धनुष वही तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। तब परशुराम जी जो हैं वो कहते हैं कि जो सेवक का काम होता है, सेवक का काम होता है सेवा करना, ना कि दुश्मनों की तरह मतलब लड़ाई करना। धनुष को जिसने भी तोड़ा है वो मेरा बहुत ही बड़ा दुश्मन है। तब लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुष तोड़ी थी, लेकिन आपने कभी भी उस कभी भी हमको इस तरह से गुस्सा नहीं किया, कभी भी हमको नहीं डांटा। तब परशुराम जी कहते हैं कि ये जो धनुष को तुम साधारण सी धनुष समझ रहे हो, साधारण सी धनुष नहीं है, ये धनुष शिव जी की विश्व विख्यात प्रसिद्ध धनुष है। तो उसी पे लक्ष्मण क्रोधित होते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। तब लक्ष्मण जो है कहते हैं कि राम की इसमें कोई गलती नहीं है, जैसे ही उन्होंने छुआ ये जो धनुष है अपने आप टूट गई। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट वाला जो है, बहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महा भटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तब उस समय जो परशुराम है वो कहते हैं कि ये जो बालक है बहुत ही मतलब इसको अपने क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इसको पता नहीं है अच्छे बुरे का, जो भी मन में आ रहा है बोले जा रहा है। यदि मैं इसको मार देता हूं तो इसके माता पिता पर क्या बीतेगी। हे बालक, अपने माता पिता के बारे में सोचो और चुप रहो। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज कि बहसी लखन बोले मृदुबानी, अह मुनिस महाभटमानी। जब परशुराम बोलते हैं कि अपने माता पिता के विषय में सोचो, तब उस समय लखन बोलते हैं बहस कर मतलब उनका अपमान करते हुए परशुराम जी का, कि आप बार बार मेरे को कुल्हाड़ी से मारने की बात कर रहे हैं, आप फूंक से पहाड़ को गिराना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं। क्योंकि कहने का मतलब है कि आप हमारे को साधारण बालक समझ रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ पे कुम्हड़ बतिया मीन्स कुहड़े का फूल, यहाँ पे यानी कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, तर्जनी मीन्स जैसे कि इंडेक्स फिंगर जो होती है ये अंगूठे के बगल वाली, कि इस तरह इशारा हम करते हैं ना, तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है कि आपके इशारे से कोई डर जाएगा, आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है कि आपकी बात से डर जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। देख मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, लक्ष्मण कहते हैं कि मैं जो कुछ भी, तब जो लक्ष्मण है उनका जब वो मतलब कुल्हाड़ी उठा लेते हैं, उठाते हैं, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप
मैं जो कह रहा हूँ उसको आप सुनिए और अपने गुस्से को जो है रोकिए। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। जो सुर यानी देवता, महिसुर मीन्स ब्राह्मण, हरिजन मीन्स जो भगवान के भक्त होते हैं, और गाय, ये चार जो होते हैं, इनसे जब हम लड़ाई करते हैं, इनसे लड़ाई जब हम करते हैं तो वो हमको पाप लगता है। और इनसे इनसे जब हम हार मतलब इनसे जब लड़ाई होती है, जब हम हार जाते हैं तो हमारा अपमान होता है, और जब इनसे हम जीत जाते हैं तो हमें पाप लगता है। तो आप जैसे जो लोग हैं उनसे लड़ाई करने में हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, आपके पैर ही पड़ना सही रहता है। इन चार जो लोग होते हैं इनके पैर ही पड़ना सही रहता है। जैसे बंधे पाप अपकीर्तिन हमारे मारत हूँ पा परिया तुम्हारे, इसलिए हम आपके पैर ही पड़ते हैं। कोटि कुलुषितम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बांध उठारा। आपके जो वचन है एकदम करोड़ों वज्र के समान है, और तो आपको ये कुल्हाड़ी उठाने की क्या जरूरत है? आपके वचन ही इतने कठोर लग रहे हैं, फिर आप कुल्हाड़ी क्यों उठा रहे हैं? जे बिलो की अनुचित केहु क्षमहु महामुनि धीर। सुनिए सरोज भृगु बंसन मुनि बोले गिर सम सम गंभीर। इसके बाद है हे बाल, जो बलि जो जो लक्ष्मण जी हैं वो कह रहे हैं कि यदि मैं कुछ भी गलत कहा हूं तो मुझे क्षमा करिए। यदि मैं कुछ भी गलत कहा हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर जो परशुराम जी हैं वो क्रोध के साथ गंभीर होकर बोले, ये नेक्स्ट वाला है, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घातक। तब लक्ष्मण की इस तरह की बातें सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि आपको कुल्हाड़ी उठाने की क्या जरूरत है? आपकी तो बात ही इतने मतलब हजारों हजारों शस्त्र के समान तो आपकी बातें ही हैं। तब ये सब सुनकर जो परशुराम जी हैं वो विश्वामित्र से कहते हैं, क्योंकि विश्वामित्र ही उनको वहां पे लेके गए होते हैं, तो विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक। कौशिक मीन्स विश्वामित्र। यह विश्वामित्र, इस बालक के यह बालक जो है बहुत ही कुटिल है और मंद बुद्धि है, ऐसा ये जो बालक है अपने कुल का नाश करने वाला है। घालक मीन्स विनाश करने वाला। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु वंश जो राम और लक्ष्मण है वो भानु वंश के हैं, भानु में सूर्य वंश के हैं। जिस तरह चंद्रमा होता है, चंद्रमा सुंदर होता है लेकिन जो उसमें धब्बा होता है तो उसको कलंकित करता है चंद्रमा को, उसी तरह सूर्य वंश जो है बहुत ही शौर्य से भरा हुआ है, लेकिन ये जो लक्ष्मण है उस पे कलंक के समान है, अपने कुल का नाश करने वाले हैं। निपट निरंकुश अवध असंकु, इसमें कोई शंका नहीं है कि ये जो लक्ष्मण है अपने कुल का नाश करने वाले हैं। कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो भी मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। काल कवल वही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। मैं सबको कह रहा हूँ, आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग सुन लीजिए, यदि मेरे को गुस्सा आ गया और ये बालक पूरा मतलब काल से ग्रसित होने वाला है, इसके अंदर वही गुण दिखाई दे रहे हैं, तुम हट कटु जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। हे विश्वामित्र, विश्वामित्र हाँ, हे विश्वामित्र, तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इस बालक को मेरे ऐश्वर्य और बल के बारे में इसे बताइए। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने उपारा। फिर तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम
परशुराम जी, आपने तो कितने ही बार मेरे सामने अपने यश और बल का वर्णन किया है। क्या अभी और भी कोई कोई है जो आपके यश और यश का वर्णन करेगा? अपने ही मुंह से आपने कितने ही बार यहाँ पे अपने यश और का वर्णन किया है? आपने मुंह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहु वर्णी। आपने अपने ही मुख से अनेक बार अपने यश और बल का वर्णन किया है। नहीं संतोष त पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोक दुसह दुख सहूँ। यदि आपको अभी भी संतोष नहीं आया है तो फिर से आप अपने यश का बल का वर्णन करिए। अपने आपके अंदर जो गुस्सा है उसको रोकिए मत, जो आपको करना है वो करिए। वीरव्रती तुम धीर अछोभा। जो वीर होते हैं वो अपने युद्ध में अपने बल और यश का प्रदर्शन करते हैं, न कि गाते हैं कि मैं ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ। सुर समर करनी करही कहीं न जना वही आपू। जो सुर संग्राम में विद्यमान रण पाई रिपु कायर पथही प्रतापू। जो युद्ध क्षेत्र में जो वीर होते हैं अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, न कि कायरों की तरह गाते हैं कि मैं मेरा यश ये है, मेरा जो बल है इतना है, उसको गाते नहीं है, उसका प्रदर्शन करते हैं। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी कर घोरा। जो लखन है लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम तो काल हाक जनु लावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो बार बार काल को हमारे सामने बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधरी धरे कर घोरा। तब लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कटु बादी बालक गद जोगु। हे इतने यहाँ पे जितने भी सभा में लोग मौजूद हैं वो हमें दोष नहीं देंगे। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब एहु मरनिहार भय साचा। मैं बालक समझकर इसे लक्ष्मण को बार बार बचा रहा हूँ, लेकिन यह मरने पर ही तुला हुआ है। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक यानी विश्वामित्र कहते हैं कि हे परशुराम जी, इसे बालक समझकर इसे क्षमा कर दीजिए। बालक के गुण और दोष को नहीं गिना जाता, उसके जो अवगुण है उसके जो दोष है उसको आप क्षमा कर दीजिए। खर कुठार मैं अकरुण कोहू, आगे अपराधी गुरुदोहू। केवल कौशिक सिल तुम्हारे। तो फिर परशुराम जी जो कहते हैं कि केवल तुम्हारे सील के कारण ही मैं इस बालक को बार बार क्षमा कर रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इस कठोर कुल्हाड़ी से इसकी मैं हत्या कर देता। गादी सुनु कह हृदय हसी मुनहि, हरिय सूझ आय खाण अजह न बूझ अभो। तब जब कहते हैं परशुराम जी कि केवल आपके सील के कारण ही मैं इसे बार बार क्षमा कर रहा हूं, नहीं तो इसे मैं इस कठोर कुल्हाड़ी से अभी मार देता। तब जो गादी सुनो कह हृदय हंसी। तब जो विश्वामित्र हैं अपने मन ही मन हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी परशुराम जी जो है इन बालक को साधारण बालक समझ रहे हैं और
इन्हें बार बार मारने के लिए कह रहे हैं, अपने गुस्से को शांत नहीं कर रहे हैं और इन बालक को साधारण बालक समझ रहे हैं, जबकि ये साधारण बालक नहीं है। इनके ये भगवान है लेकिन इनको ये समझ नहीं रहे हैं और बार बार इन्हें मारने की बात कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, हेलो, ओके नेक्स्ट कल पढ़ेंगे बेटा। ओके।